बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। चारों तरफ हाहाकार मचा है और कुल्लू में ब्यास नदी में आए सैलाब में तिनके की तरह ट्रक बह गए। पहाड़ों पर भारी बारिश से हिमाचल में जल प्रलय आने से हाहाकार मचा है। पिछले 60 घंटों से हो रही बारिश में नदियां उफान पर हैं। दिल दहला देने वाली तबाही की ताजा तस्वीर कुल्लू से आई है। ब्यास नदी में सैलाब के कारण कहीं पुल ढह गए तो कहीं से लैंडस्लाइड की घटना सामने आ रही है। ब्यास नदी में आए इस तूफान में एक ट्रक के बहने का लाइव वीडियो सामने आया है। ब्यास नदी के सैलाब में ट्रक तिनके की तरह बह गया। ब्यास नदी के सैलाब का खतरा ट्रक यूनियन में खड़े दूसरे ट्रकों पर भी बढ़ गया है। यहां से अब तक 6 ट्रक ब्यास नदी में बह चुके हैं। और हिमाचल में बारिश का कहर पहाड़ों पर टूटा। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। गनीमत रही कि सड़क पर गुजर रही गाड़ियां बाल बाल बच गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी बारिश का कहर टूटा है। कंडाघाट के पास लैंडस्लाइड होने से सड़क पर बड़े बड़े चट्टान और मलबे आ गए, जिससे दिल्ली हाईवे बंद हो गया है। मंडी में लैंडस्लाइड होने से कुल्लू मनाली और कसौल की ओर जाने वाली सड़क बंद हो गई है। मंडी में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे पंचवक्त मंदिर पानी में डूब गया। पानी के तेज बहाव के कारण हनुमान मंदिर का फुट ओवर ब्रिज गिर गया। हाउसिंग सोसाइटी में भी जल भराव हो गया है। वहीं शिमला के कोटखाई उपमंडल में कोकू नाला में सड़क बह गई। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से हिमाचल के पावजा साहिब में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गिरी नदी में बाढ़ आने की वजह से पिछले 3 दिनों से 5 लोग टापू पर फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब में गिरी नदी के तेज बहाव के बीच मदद के लिए हाथ हिलाते लोगों की ये तस्वीरें गिरी नदी के टापू की हैं, जहां 3 दिनों से 5 लोग फंसे हैं। स्टोन क्रशर का काम करने के लिए गए ये लोग टापू पर गए थे कि अचानक बारिश होने से नदी में सैलाब आ गया। तेज बहाव के कारण गोताखोरों और NDRF ने रेस्क्यू से मना कर दिया है। खाने पीने के सामान नहीं होने से परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है। निकलने की तो कोई है नहीं अभी वहाँ पे, और उसके साथ में फिर खाने पीने का राशन भी वगैरह नहीं है हमारे पास।